दीदी क्या बातचीत हो रही है? आप लोग चुपचाप रहो, मैं अपना मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो भाई। अरे मैं कहनी चाहूंगी, मोबाइल हटाओ यार। जनता को हम धन्यवाद देने चाहती हूँ कि अब बिहार में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिहार का जो मधुबनी है, बिहार को जो नालंदा है, बिहार का जो मिठाई है, हम इसको बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा दूर रखिए ना। और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ा सा दूर कर लीजिए। मधुबनी का साथ, राबड़ी देवी का साथ, थोड़ा सा तेजस्वी का साथ, लालू जी का साथ, हम मिट करके बहुत खुश हुआ है इसी के लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा, हॉस्पिटल में थे, उसको तबीयत ठीक नहीं था, हम लोगों ने बहुत दुखी थे। आज उसको देख के हमारा बहुत हम खुश हुआ है। और आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी के खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। सो हमारा पूरा हम पहले बिहार में आके इसी के लिए लालू जी को मीट किया। दीदी आपका बहुत बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका। ऑलवेज ऑलवेज आपका पता है जी, एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहा था, जब मैं मिली, जब हम भी एमपी था, लालू जी भी एमपी था, पीछे पीछे था, लालू जी भाषण दे रहा था, प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव, राबड़ी जी का भाव क्या है? बोलता है सबसे ज्यादा है। ऐसा बहुत चलता है। देखिए हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। कांग्रेस की पार्टी शर्त रख रही है, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप बंगाल में लड़ेंगी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी। मैंने जो बोला है, जो नीति चयन होगा वो सबको लिए होगा। अरे कोलकाता से रुकिए भाई, केजरीवाल ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते चाहे, और कल मीटिंग में दीदी करेंगे। दीदी पश्चिम बंगाल